हेलो एवरीवन, दिस इज मी अंकिता जोशी ग्रेनर टूरिस्ट। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 10 का फोर्थ लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, एक्सरसाइज 4.2 का फिफ्थ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। ओके, सो सपोज दैट द बेस बी x सेंटीमीटर देन वी हैव एंगल is x minus 7 cm, altitude means perpendicular b, x minus 7 cm and the hypotenuse b, 13 cm. So by Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square. Okay, here h, it means hypotenuse is 13 and p square, it means altitude is x minus 7 and the b square means x on base b means base is equal to x and perpendicular is equal to x minus 7 and the hypotenuse is equal to 13. Okay, so 13 square is equal to x minus 7 square plus x square. 13 square is equal to 169 is equal to ये a minus b square, a minus b whole square के formula पे ये break होगा, so a square minus 2 a b plus b square plus x square, this is 169 is equal to x square minus 7 is 14 14x two into a, so is x. So 14x plus 49 plus x square, this implies 169 is equal to x square plus x square is equal to 2x square minus 14x plus 49. अब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, सो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0 एंड 6 माइनस 4 2 एंड 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूंगी। ओके, 2 सब में से कॉमन निकल रहा है, सो 2 हम कॉमन ले लेंगे, सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जब 14, सो 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 जब इधर 0 से आकर डिवाइड होगा तो ये 0 बन जाएगा, सो so x square minus 7x minus 60 is equal to 0. Okay, now अब ये जो 60 है, अब मुझे यहाँ पे स्प्रेड करनी है, तो 60 के हम फैक्टर निकालेंगे। हमारे पास x square का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है और कॉन्स्टेंट 60 है, सो 1 into 60 is equal to 60, हम 60 का निकालेंगे, then फैक्टर निकालेंगे, then 30 15 and 3, 5. So the coefficients, so the factors of 60 are 2 into 2 into 3 into 5. Okay? So, अभी मुझे इसको जो फैक्ट जो 60 के जो फैक्टर्स निकले हैं उसको मुझे ऐड या सबट्रैक्ट करके मिडिल टर्म मींस की बी की वैल्यू लानी है। तो अगर हम 2 2 जा 4 4 12 सो x स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम इसको ऐसा कर सकते हैं माइनस 12
12 x plus 5 x minus 60 is equal to 0. Okay, minus 12 x plus 5 x is equal to 7 x minus 7 x. Okay, now x into x minus 12 plus 5 into x minus 12 is equal to 0. So x plus 5 and x minus 12 is equal to 0. So the number V x plus 5 is equal to 0 and x minus 12 is equal to 0. Or x is equal to minus 5 and x is equal to 12. Okay, so the number, so the possible numbers are minus 5 or 12. But बेस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, किसी भी ट्राइंगल का बेस जो है सो नेगेटिव में नहीं होता. सो एक्स माइनस फाइव इज नॉट सुटेबल. सो द बेस बेस एक्स इज इक्वल टू 12 एंड द एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5. सो द टू नंबर्स आर बेस इज 12 एंड द altitude is 5. Thank you.